भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा सीट बुधनी पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा नेता रमाकांत भार्गव को अपना प्रत्याशी बना दिया है। रमाकांत भार्गव बुधनी सीट पर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और 25 अक्टूबर को वे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बुधनी सीट से प्रत्याशी बनाए गए रमाकांत भार्गव ने पहली दफा मीडिया के सामने आकर अपनी प्राथमिकताएं बताई। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जो दायित्व मुझे मिलता है उसका अच्छे से निर्वहन करने की कोशिश करता हूं। कितनी बड़ी फाइट देख रहे हैं? बुधनी विधानसभा से लगातार हमारे जनप्रिय नेता मानव शिवराज जी चुनाव लड़ते रहे। बुधनी का संगठन मजबूत है और विकास के काम भी वहां बहुत हुए हैं और आगे भी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम जातिगत व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, संगठन में विश्वास करते हैं। अब कौन ने किसको उतारा है मेरी जानकारी में भी आया नहीं। सर, शिवराज जी क्या आपकी बैठक भी हुई सुबह सुबह? सीट मानी जाती है, कार्तिकेय भी वहां से दावेदारी कर रहे हैं, आपका नाम फाइनल हुआ है, अगले चुनाव में संभव है कार्तिकेय की दावेदारी पुनः हो, तो क्या आप शिवराज जी के प्रति अपना निष्ठा दिखाते हुए अगली बार सीट छोड़ेंगे कार्तिकेय की? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का नाम तय करती है और जिसका नाम तय होता है वो चुनाव लड़ता है। सर, सुबह मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ, मुझे दायित्व जो सौंपा गया है उसको अच्छे से करने का प्रयास करूँगा। सर, नामांकन कब दाखिल करेंगे? 25 तारीख को मुझे आशीर्वाद देने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष माननीय बी डी शर्मा जी, हमारे जनप्रिय नेता माननीय शिवराज जी 25 तारीख को मुझे आशीर्वाद देने नामांकन के अवसर पर बुधनी पधार रहे हैं। सर, शिवराज जी के यहाँ बैठक भी हुई है आज सुबह सुबह, क्या कुछ निर्णय आए? संगठन की बैठक थी वो, रणनीति तय हुई है उपचुनाव को लेकर? संगठन की बैठक होगी तो बातचीत होगी ही। संगठन की बैठक तो कार्यालय में होनी चाहिए, बीजेपी कार्यालय? हाँ, कार्यालय में होगी, मगर माननीय शिवराज जी भी वहाँ के विधायक रहे, सांसद हैं, तो वहाँ होनी चाहिए ना। और जनप्रिय नेता है, सारे मध्य प्रदेश के नेता है, केंद्र में केंद्रीय कृषि मंत्री है, 25 को आप भी सब और आप सब 25 को आमंत्रित है।